खजाना ढूंढने आए थे वो यहाँ पे पड़ा। अभी इसने यहाँ से एक संदूक निकाला करना खजाने वाला बॉक्स और इसके ऊपर ना कोई चीज गिरने की मुझे आवाज आई है कमरे के जीने ने। देखे ये मुझे कह रहा है मैंने ना बम तैयार किया लगाना है बातें करेगा अपना फोन भी जेब से निकाल। वेलकम बैक विद न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी तक जिस जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। अभी आज मुझे फिर ऊपर जाना छत पे और जाके काम वगैरह करवाना। अभी ये दुकान से आया था अभी इसको लेके ऊपर जाना और जाकर रूम में से बाकी सामान को भी बाहर निकालना। इंशाल्लाह एक से दो दिन में इस कमरे को पेंट भी करवाना है। तो अभी चलते हैं ऊपर और आपको जाके काम वगैरह दिखाते हैं। अच्छा तो गाइज अभी हम ऊपर आ चुके हैं और अंदर वो पठान ने काम वगैरह भी शुरू कर दिया। अभी मैंने ये सोचा कि ना इस पठान के साथ जाके मैंने करना प्रैंक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये हर एक चीज को ऊपर छेड़ता। अभी मैंने अंदर जाना और ब्रेकर बंद करके बाहर भागना है। तो देखते हैं इसको। ला तू चीजा छेड़न तो बाद नहीं आंदा तेरा मैं कोई इलाज करना हूं। अच्छा तेन मैं दसिया भी है इस कमरे च जिन्ह ने। चल अंदर चल हूं चीजा छेड़ेगा उत्ते आके। तो गाइस अभी ये बड़ा डरता है जिन भूतों से बेचारा अंदर है खौफ से भागा और इसका पाँव लगा दरवाजे में। इसको मैं मना करता हूँ ये कभी इस अलमारी को खोलता है कभी वहाँ से खोल के चीज़ें छेड़ता। मैं इसको समझा रहा हूँ चीज़ें ना छेड़ कांच की चीज़ें पड़ी है कोई टूट जाएगी लेकिन ये बात नहीं आ रहा था। अब इसकी जान को सुकून है। चलिए हम जो ऊपर ढूंढने आए थे हमें वो मिल गया। खजाना ढूंढने आए थे वो यहाँ पे पड़ा। अभी इसने यहाँ से एक संदूक निकाला पैसा ही पैसा हो गया ये नीचे पड़ा। अभी ये सामान हटा के इसको बाहर निकालना और देखना है कि इसके अंदर क्या क्या है। तो अभी ये यहाँ से गत्ते हटाएगा पहले फिर इसको बाहर निकालेगा और खोलेगा फिर आपको भी दिखाएंगे। शाबाश। गाइस अभी हमने सारा सामान वगैरह जो उनसा था वो बाहर निकाल दिया। अभी हमने ये ओपन करना खजाने वाला बॉक्स और इसके अंदर देखना क्या क्या पड़ा हुआ। चलो यार ये खोलना जरा। ते मेरे मेरा जिस तरह रोज का काम है हिलता ही नहीं सजी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पारी किस तरह लो पीछे हो गया घड़ी वाला हाथ है इधर। इधर क्या दिया हुआ? नीचे देखो नीचे कुछ भी नहीं है। वो नीचे कोई दे दिया हुआ कोई चीज सी। अच्छा वो दराज है इसके अंदर चाबी होगी इसकी नहीं है। इसकी चाबी नहीं है इसलिए नहीं खोल रहा। इसकी यहाँ पे चाबी लगेगी मेरे ख्याल से फिर खुलेगा। ऐसे नहीं खोलना इसने। अभी हमने इस बॉक्स को ओपन करने की कोशिश किया लेकिन ये लॉक है और इसकी चाबी मेरे पास नहीं है। ये ओपन नहीं हो रहा। इसको कल परसों आके कोशिश करेंगे अगर तो ये खुलता है तो फिर आपको इसको खोल के दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या था। काफ़ी हद तक सामान जो उन सब कमरे से बाहर शिफ्ट कर दिया। अभी मुझे जाना नीचे और नीचे जाके शावर वगैरह लेना क्योंकि मेरे सारे कपड़े डस्ट से भर गए दोबारा। तो बाकी जो काम है वो इंशाल्लाह कल करेंगे और उम्मीद है कि कल इस कमरे को हम पेंट भी करवाएंगे। शावर वगैरह लेकर रेडी हो चुका हूँ। अभी मुझे आज जाना अपनी गाड़ी के टायर्स वगैरह चेक करवाने के लिए। तो चलते हैं नीचे और जाके पहले गाड़ी से कपड़ा वगैरह उतारते हैं उसके बाद गाड़ी के टायर चेक करवा के आते हैं। सबसे पहले लाइट्स ऑफ कर दे। यार ये मेरी बाइक अंदर करो मैं टायर चेक करवाने के लिए पहुंच चुके हैं टायर शॉप पे। अभी बाहर चल के इसका टायर प्रेशर वगैरह चेक करवाते हैं और देखते हैं अगर तो कोई पंचर वगैरह आया तो वो लगवाते हैं।
टायर प्रेशर वगैरह चेक किया, प्रेशर वगैरह पूरा था, कोई भी टायर पंचर नहीं था। क्या बात है। तो अभी चलते हैं वापस और इसके जो टायर के रिम कप्स वगैरह मैंने उतारे हुए थे वो जाके लगाते हैं। गाइस अभी मैं गया था गाड़ी के टायर्स वगैरह चेक करवाने के लिए, तो मैं इसको कह के गया था कि पठान को मेरे आने से पहले ना कमरा सारा मतलब कि नीट एंड क्लीन करो और ये चीज़ें वगैरह बुक्स वगैरह सारी उठा के अपनी अपनी जगह पे रखो। तो मैंने जब कैमरे में देखा ना तो ये फ्री बैठा हुआ था। मैंने इसको कॉल की कि तुम फ्री क्यों बैठे हो, काम नहीं कर रहे? तो कहता है ऊपर ना कोई चीज़ गिरने की मुझे आवाज़ आई है, मैं डर गया हूँ। क्या बात कर रहे बाबा। तो अभी मैंने इसको कहा उठ के ना एलसीडी में देखो क्या मसला, ऊपर कैमरे लगे हुए वहाँ से देखो क्या हुआ। तो उठ के देख के कहता जो हम कार्टन लगा के आए थे ना वो नीचे गिर गया। अभी हमें ऊपर वापस जाना और जाके वो कार्टन वगैरह ठीक करने हैं। तो अभी मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई है, कॉफ़ी वगैरह पी के चलते हैं ऊपर और जाके ठीक करते हैं सारा कुछ। अच्छा तो गाइस अभी ये पठान साहब दरवाज़ा खोल रहे हैं। हाँ भी वहाँ कौन सा कार्टन गिरे थे ये वाले डरे हाँ तू इंज सा फोन तो जिम्मे पता नहीं की हो गया उत्ते दो कार्टन डिगे ने रोला तू इंज फोन तो पाया पता नहीं की हो गया। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है उसके धंधे के बारे में क्या। अच्छा तो गाइस अभी हम ऊपर आए हैं, कार्टन ये दो कार्टन नीचे गिरे थे यहाँ से और शोर इसने इस तरह डाला हुआ था जिस तरह पता नहीं क्या हो गया। वापस लगाओ यार इसको ऊपर। हमने हेल्प के लिए इस भाई को बुलाया था दुकान से, तो इसने आके सारा सामान वगैरह अभी बाहर निकाल दिया। अभी थोड़ा सा रह गया, अभी मुझे जाना किसी काम से पेमेंट वगैरह लेने के लिए, तो पहले वहाँ चलते हैं उसके बाद आके ये बाकी का काम खत्म करेंगे या इस काम को अब कल करेंगे इंशाल्लाह। तो वैसे आज तो दिन ऊपर हो चुके हैं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था जिसकी वजह से मैंने फिर उनको कॉल नहीं की। आज मैं फ्री हुआ तो मैंने उन्हें कॉल कर दी, तो उन्होंने कहा आप आके पेमेंट ले जाएं। अभी मैं उनसे पेमेंट ले रहे हैं, पेमेंट वगैरह लेके मैंने वापस जाते हुए मोटर्स गोदाम में छोड़नी है, वहाँ से शायद नई भी लेनी है और नई वाली लेके वापस ऑफिस ड्रॉप करनी है। तो पेमेंट वगैरह लेके चलते हैं वापस और इन मोटर्स को छोड़ते हैं। अभी पेमेंट रिसीव कर ली हमने, चलते हैं वापस और जाके इन मोटर्स को ड्रॉप करते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस वापस जाना और पैकअप करके घर के लिए भी निकलना। अच्छा तो गाइस अभी हमने जो सामान वगैरह छोड़ना था वो यहाँ पे छोड़ दिया और नया वाला भी यहाँ से ले लिया। अभी ऑफिस जाके इसको उतारना है और इसने भी घर जाना, अभी तक वेट कर रहा मेरा कब घर पहुँचेंगे और कब ये वापस जाएगा। अच्छा तो गाइस अभी हमने सामान वगैरह सारा उतार के अंदर रख दिया, तो अभी ये बच्चा देखे मुझे कह रहा है मैंने ना बम तैयार किया। शाबाश। ये कैसे चलता नहीं चला, बेकार है तेरा बम, किसी काम का नहीं है। अभी बेटा अरे कहना क्या चाहते हो। अच्छा चल फिर चला के दिखा मुझे क्या मुक्की है वो क्या होती है। अच्छा इसको क्या कहते हैं बता माची से। तो अच्छा चल डाल इसके अंदर फिर मुझे चला के दिखा रहे कैसे चलता। बेकार मैंने जाना घर अब लोग ना अभी तो देर हो गया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। वो तो चीरा तो ताले भी लोग तो चीरा आई तो ना मैं तो। अच्छा तो गाइस अभी ये पठान भी आ गया। हाँ जी पठान साहब जा रहे हो? हाँ साइकिल लेनी है अपनी। ये देखो ये फजूल बातें पूछ रहा है। चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह लगा लो। नहीं चला नहीं। चल दफा हो जाए यहाँ से बकार बम लेके आ गया। अच्छा तो गाइस अभी पापा और भाई वगैरह आ चुके हैं, मुझे निकलना अभी घर के लिए। अभी मैंने पैकिंग वगैरह भी कर लिया,
चलते हैं घर, आपको घर जाके मिलते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद मैं आ गया था फान के साथ कावा वगैरह पीने के लिए। अभी ये मुझे कहता है हमने ना बाहर से बुलाना पठान को और उसके साथ कोई प्रैंक करना, उसको कोई गालियां निकालनी है। अभी इसने उसको बुलाना और उससे पर फजूल के सवाल। अब्दुल्ला भाई नया कवर लिया है, माशाल्लाह कवर देखे भाई का, फ्री लैग का फोन है मेरा। अच्छा अच्छा, लोगों की ना जल्दी है मेरा फोन देख के। बकवास बंद। कौन सा कवर है? कवर ये भाई मैंने कवर मंगवाया है 1060 रुपए का। कहाँ से? फिराज से मंगवाया है। अच्छा, शरीकों ने अब जो है भाई सड़ सड़ पागल हो जाना है कि हफान शेख के पास पैसा इतना यार कहाँ से आ रहा है, बिजनेस करो मैं अंदर खाते। मैं और मेरा एक दोस्त है यार, वो जो हाफ का नहीं है कजन शेख, शेख वलीद, हम दोनों ने वजह जी की है अब्दुल्ला भाई पार्टनरशिप, हम लोग पैसा कमा रहे हैं, पैसा ही पैसा, डॉलर ही डॉलर। चुप कर बे कुत्ते। खान भाई बात सुनो, एक सेकंड दो, कल आपने लगाना है भूपा लगाना है, ठीक है ना? भूपा लगा दोगे क्या? क्या बोला तूने? भूपा 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 क्या होता है यार? खान भाई भूपा लगा देना बस यार, भूपा का नहीं बता बनाता होता आप। मजा आया तो आप अपनी जिंदगी में कभी खान भाई कामयाब नहीं हो सकते, जाओ आप। अच्छा तो गाइस अभी मैं फान के साथ आया था, इसने मुझे कहा कि आज मैं इसका व्लॉग नहीं शूट करूंगा ना, ये आज लड़कियों से बातें करेगा, अपना फ़ोन भी जेब से निकालेगा, अगर इसने निकाला तो इसको कोई बड़ी पटीक डालेंगे, मींस के कोई बड़ा बिल डालेंगे। ठीक हो नहीं इसके साथ मेरी डन हुई है, फ़ोन ही निकालेगा, नहीं तो ये रोज़ आके मेरे साथ बैठा रहता था और लड़कियों के साथ बातें करता रहता था, आज मैंने इसका फ़ोन जेब में रखवाया हुआ, अब नहीं बाहर आएगा, नहीं आएगा बस अब। अच्छा तो गाइस अब ये फ़ान जा रहा है वापस और मुझे बाइक पिक करने के लिए आ गया था, मैंने बाइक के साथ कहीं बाहर जाना है तो अभी चलते हैं इसके साथ, देखते हैं कि ये किधर जा रहा है। तो गाइस अब फ़ान वहीं से घर चला गया था, भाई बाहर खाना लेने के लिए आए हुए थे, अभी खाना वगैरह लेने के बाद हम चले गए थे कॉफ़ी पीने के लिए, कॉफ़ी वगैरह ले कर आए, अभी वो अंदर सामान वगैरह लेने गया, सामान वगैरह ले कर हमें जाना घर वापस। अच्छा तो गाइस अभी मैं घर वापस आ चुका हूँ, आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।